हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम संदीप सोनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जय श्री कृष्ण टू ऑल स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक अबाउट द व्हाट इज द गुडविल, व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देर आर फोर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड फोर्थ वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इन दिस वीडियो वी आर टॉक अबाउट द एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड? सो लेट्स गो। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। देर आर सम टाइप्स ऑफ सम विल आस्क in the exam from this method, which is 4 marks, or some theories will ask from this method, which is 4 marks, like a short note. So let's start. What is the average profit method? Under this method, the average of the past certain years of profit are taken into consideration. That means the past certain years मीन्स कि जो लास्ट 4 ईयर्स 3 ईयर्स के जो प्रॉफिट है उसका एवरेज हमें यहाँ पे लेना है, एंड देन एवरेज प्रॉफिट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो एवरेज हमें फाइंड आउट किया है, जो फर्स्ट 3 और 4 ईयर्स या 5 ईयर्स का जो हमने प्रॉफिट का एवरेज निकाला है, उसको हमें नंबर ऑफ ईयर्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, एंड देन वी विल गेट अ गुडविल। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस मेथड इज अ सिंपल एंड पॉपुलर मेथड, एंड देर आर सम लिमिटेशंस फ्रॉम दिस मेथड। फर्स्ट वन इज दिस मेथड डज नॉट कंसिडर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन्स कि जो लास्ट ईयर, लास्ट 5 ईयर्स या 4 ईयर्स का प्रॉफिट है, उसमें प्रॉफिट इंक्रीज होता है या तो प्रॉफिट डिक्रीज होता है, वो कंसिडर नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो चलो काउंट नहीं करेंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होता है कि चलो काउंट कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट डिक्रीज हो या प्रॉफिट इंक्रीज हो, सब यहाँ पे हमें काउंट करना है, कंसिडर करना है। ऐसा नहीं इंक्रीज है तो कंसिडर करेंगे, डिक्रीज है तो कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड सेकंड लिमिटेशन इज कैपिटल एम्प्लॉयड इज आल्सो नॉट कंसिडर। दैट मींस कि जो ओनर है, जो कितना कैपिटल बिजनेस में लाता है, और जितना कैपिटल बिजनेस में लाता है उस हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट मिलता है, वो यहाँ पे कुछ भी काउंट नहीं होता है। कि कोई भी ऑनर है, वो बिजनेस में कैपिटल लाता है नहीं लाता है डजंट मैटर। हमें यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, ओनली प्रॉफिट, दैट इज अ पास्ट ईयर, फास्ट सर्टेन ईयर्स प्रॉफिट हमें यहाँ पे काउंट करना है, यहाँ पे कंसिडर करना है। कि यहाँ पे कितना कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो हमें काउंट नहीं करना है। दैट इज टू टाइप्स लिमिटेशंस। That is a formula of goodwill of average profit method. That is a goodwill is equal to average profit into number of years of purchase. इस method, average profit method से हमें यहाँ goodwill find करना है, तो goodwill की ये formula है कि goodwill is equal to average profit into number of years of purchase. यहाँ पे हमें question में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है, दिया गया होगा, और यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस मेथड से हमें जो गुडविल फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, एंड देन उसके बेसिस पे हम गुडविल फाइंड करेंगे। ओके, तो हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं कि दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ गुडविल
बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। हियर गिवन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 3 ईयर्स एंड इन क्वेश्चन हियर वी आर गिवन ईयर्स 4 ईयर्स एंड प्रॉफिट ऑफ रिस्पेक्टेड ईयर्स। प्रॉफिट ऑफ 2013 इज 30,000, फॉर 2014 इज 45,000, फॉर 2015 35,000, फॉर 2016 50,000। ईयर और प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा और हमें फाइंड करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। यहाँ पे हमें गुडविल फाइंड करना है, तो गुडविल फाइल करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट क्या है, तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया है उसका हमें टोटल करेंगे, दैट इज 1,60,000 रुपीज। 1,60,000 रुपीज हमारा टोटल प्रॉफिट मिल गया, तो हम ये इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो 1,60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स देयर आर गिवन द फोर नंबर्स, फोर ईयर्स डिवाइड बाय फोर, सो आंसर इज 40,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया 40,000 रुपीज। अब हम गुडविल फाइंड करेंगे, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल, सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे हमें फाइंड कर लिया है 40,000 रुपीज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो हमें क्वेश्चन में दिया है 3 ईयर्स ऑफ परचेज इंटू 3, सो आंसर इज 1,20,000 रुपीज। तो हमें यहाँ पे गुडविल मिल गया है 1,20,000 रुपीज। दिस इज हमारा दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के सम एग्जाम में 4 मार्क्स के आते हैं। दिस इज ए सिंपल फॉर्मूला एंड सिंपल मेथड। ओके, सो इजी मेथड। यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, इसकी फॉर्मूला आपको याद रखनी है, मेमोराइज करनी है। जो ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज हो जाएगी, तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है, उसकी फॉर्मूला आपको इजी से आप मेमोराइज कर पाएंगे। ओके, सो हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 फ्रॉम बुक, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। हमें यहाँ पे 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया गया है, 2 लाख, 2,10,000, 1,90,000, 2,15,000, 2,15,000, 2,20,000। ओके, और हमें यहाँ पे हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ गुडविल, और यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दिया हुआ है 3 ईयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट, सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, जो हमें यहाँ पे 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया गया है उसका हम टोटल करेंगे, दैट इज 10,35,000 रुपीज। यहाँ पे इसको फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, तो 10,35,000 रुपीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दे आर गिवन 5 ईयर्स डिवाइड बाय 5, सो आंसर इज 2,07,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया है। अब हम गुडविल फाइंड करेंगे, तो गुडविल की फॉर्मूला हम पुट करेंगे, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सो व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे हमें फाइंड किया है 2,07,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 3 ईयर्स। ओके, सो आंसर इज 6,21,000 रुपीज। सो दिस इज ए सिंपल फॉर्मूला एंड सिंपल मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में से 4 मार्क्स का इस टाइप का, जो हमने इस वीडियो में काउंट किया है, जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है सम का, इस टाइप का सम आएंगे 4 मार्क्स का,
अदरवाइज थियरी भी आ सकती है विच इज शॉर्ट नॉट टाइप्स। तो इस टाइप से आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। आप बुक में से भी वो क्वेश्चन ले सकते हैं, लाइक इलस्ट्रेशन 2 बुक में से ले सकते हैं, और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो भी इस मेथड के हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड के हैं, वो भी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर आप इम्प्रूवमेंट आएगा, और प्रैक्टिस मस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। और इसमें जो बिग क्वेरी है, क्वेरी आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप व्हाट्सएप थ्रू आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेकंड मेथड्स, और सेकंड मेथड्स के जो सम आते हैं उसकी फॉर्मूलाज क्या है, उसके सम आते हैं तो उसके सम किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड जय श्री कृष्ण।